हिमाचल प्रदेश में चुनावी समर में अब पंजाब के कई योद्धा भी कूद चुके हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनावी जनसभाएं कर माहौल तैयार करने में लगे हैं। पंजाब में अकाली भाजपा सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे मनोरंजन कालिया, जहां पर भाजपा के लिए बिलासपुर में भाजपा प्रत्याशी सुभाष ठाकुर के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, वहीं पंजाब कांग्रेस महासचिव विधायक गुरुकीर्त सिंह और विधायक पहल लखवीर लखा, राजनीतिक महासचिव पंजाब रणजीत सिंह कांग्रेस के लिए बिलासपुर में विधायक बंबर ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार में लगे हैं, जहां पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मनोरंजन कालिया ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश की सबसे भ्रष्ट सरकार है और कानून व्यवस्था की इस पर कारधसियां उड़ी हैं, जिससे गुड़िया कांड ने प्रदेश का सिर शर्म से चुका दिया है और आज भी गुड़िया के कातिल शरेआम घूम रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के जो बयान दिए हैं वह शर्मसार करने वाले हैं। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के पंजाब के महासचिव विधायक गुरकीरत सिंह मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सातवीं बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को सातवीं बार भी प्रदेश की सत्ता सौंपी जाए ताकि विकास की गति तेज हो सके। मुख्यमंत्री का व्यवहार होगा उसी तरह के उसके पार्टी के नेताओं का व्यवहार होगा। पिछले एक समय में कोटखाई में एक हृदयविदारक घटना हुई, एक नन्ही सी बच्ची गुड़िया, उसके दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या कर दी, पूरा देश कांप गया, पूरा देश जो है कि ये गलत हुआ है, पाप हुआ है, दुष्कर्मियों को सजा दी जाए, लेकिन मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी क्या कहते हैं? कहते ऐसा तो होता ही रहता है, छोटी मोटी बातें हैं, ये राजाओं की बातें हैं कि छोटी मोटी बातें हैं, क्यों? उनकी जो मानसिकता है वो प्रदर्शित हो रही है इससे। और आज मैं देख रहा हूं कि बड़ा उत्साह है, खास करके मैं राजा वीरभद्र सिंह जी की। सही बात है, हम पंजाब से आए हैं, राजा साहब को पंजाब के लोग भी एक ऐसा मुख्यमंत्री मानते हैं जो 24 घंटे लोगों में रहते हैं, जिन्होंने सारी उम्र पूरी जिंदगी लोगों के लिए लगा दी। 6 बार मैं अभी 2 बार विधायक बना हूं, राजा साहब 6 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो इसमें कोई बात होगी।